इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल मुफ्त में शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे। बहुत ही मज़ेदार फीचर है कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर चले जाएंगे और मोबाइल में जाके अपने कोटक बैंक का एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद पिन मांगेगा, एम पिन। उस एम पिन को दर्ज करके आप सिंपल सा लॉगिन कर लेंगे अपने कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन में। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपको शो होगा, वहाँ पे आप अपने कार्ड वाले सेक्शन में चले जाएंगे। नीचे भी आपको कार्ड का सेक्शन दिख रहा होगा या फिर बीच में भी एक कार्ड का सेक्शन दिख रहा होगा। कार्ड वाले सेक्शन पे जाके कार्ड ओवरव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में एंटर कर लेंगे। जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड होंगे एडेड, वो सारे शो हो रहे होंगे। जैसे कि मेरे कोटक बैंक में 2 क्रेडिट कार्ड एडेड हैं, तो मेरे 2 क्रेडिट कार्ड शो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दिखा रहा है 676 ये, और उसके सामने रिडीम नाउ का ऑप्शन दे रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। रिडीम नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी कार्ड्स हैं सबके रिवॉर्ड्स पॉइंट मिला के कम्प्लीट यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हैं आपको। जो सबसे पहले ऊपर दिखा रहा है 763 दिखा रहा है, हो सकता है आपके में ज़्यादा हो। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी नीचे देंगे स्क्रॉल करने पे, शॉपिंग है, रिचार्ज है और फ्लाइट है, होटल है। तो सबसे पहले शॉपिंग पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आइटम आपको दिख रहे होंगे या फिर आइटम की कैटेगरी दिख रही होगी, और सबके सामने रिवॉर्ड पॉइंट दिख रहा होगा, ना कि आपका पेमेंट दिख रहा है। कितना पेमेंट करना वो नहीं दिख रहा है, कितने रिवॉर्ड पॉइंट इसके लिए लगेंगे ये खरीदने के लिए वो आपको दिख रहा है। आप यहाँ से मन चाहे कैटेगरी चूज कर लीजिए और जो भी आपको सामान पसंद आए अपने रिवॉर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट कम है तो कुछ पैसे और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दोनों मिक्स करके खरीद लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास इनफ रिवॉर्ड पॉइंट है तो बिल्कुल फ्री में आप खरीद सकते हैं कोई भी सामान। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है, आपको कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे कि पहले बताया मैंने रिचार्ज करना है या फिर आपको होटल बुक करनी है, फ्लाइट बुक करनी है, तो आप कर सकते हैं। जैसे रिचार्ज वाले सेक्शन में आएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑपरेटर डालेंगे, लोकेशन डालेंगे और जो भी आपका रिचार्ज प्लान करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिचार्ज अपना कर सकते हैं। बैक आके फिर वापस आप अगर आपको होटल बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं।